साथ ठंड है एंड बस आप ये हाथ देख सकते हो मॉर्निंग के हो रहे हैं 8:30 हो गए नहीं हो गए 8:25 हो गए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ वैसे तो आपको पता ही होगा देख सकते हो इतनी ठंड है डैडी भी जॉगिंग करने निकलने वाले हैं डैडी की बीच से दैट्स भाई की बलात एंड अपनी सदाबहार रेड चिली सो गाइस 8:26 हो रहे हैं एंड आपने देखा होगा मैंने डबल जैकेट पहना हुआ बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड है और आप देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा है इतना ज़्यादा फॉग है दो आई नो कुछ पॉल्यूशन को पॉल्यूशन का भी फ़र्क होता है बट अभी तो आप लोग खुद जानते हो बहुत एक्सट्रीमली ठंड है आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के वहाँ का क्या नज़ारा रहता है और मैं अपने रूम के व्यू से अपना चाय कॉफ़ी जो भी मैं लेती हूँ वैसे मैं चाय लेती हूँ उसका मैं मस्त कैप्चर भी करती हूँ बिकॉज वो आज मैंने नहीं करा नहीं मैंने करा था और मैंने डाल भी दिया इतना अमेजिंग व्यू लगता है एंड कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वेदर आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू होम और नॉट बट भाई मैं अपने घर में ही रह रही हूँ ये बैक साइड का व्यू है शायद कुछ ने देखा होगा कुछ ने नहीं और अगर कुछ लोग ये ब्लॉग बाहर से देख रहे हैं वो भी बताना कि आप लोगों के वहाँ का माहौल कैसा है नाउ आई एम गेटिंग लेट मैं चाहती हूँ जाती हूँ जिम उसे बोला भी नहीं जा रहा बहुत ठंड है आप लोग भी जिम जा रहे हैं इतनी ठंड में या फिर कोजी लेजी ब्लैंकेट को नहीं छोड़ पा रहे या लेट जा रहे हैं ज़रूर बताइएगा आई एम नॉट श्योर लोग काम पे कैसे निकलते हैं बाबा अर्ली मॉर्निंग जैसे कार क्लीनर्स वाले हेल्पर्स सीरियसली भाई उनका बहुत ध्यान रखिए भाई पता नहीं ठंड सब कह रहे थे ठंड आनी रही अब भाई ले लीजिए ठंड का मजा एंड सीरियसली सुबह उठा ही नहीं जाता मतलब इतनी जान निकलती है लिटरली मैं 6 या 7 का अलार्म लगाती हूँ और उसके बीच में 2-3-4 अलार्म और लगा देती हूँ सो दैट मेरी नींद खुल जाए विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट 0 ये देखिए मैं तो अपनी गाड़ी जैसे कि आप लोगों को पता है थोड़ा दूरी लगाती हूँ एक तो पार्किंग का भी इशू रहता है और मुझे आगे से ना फिर यू टर्न लेके आना पड़ता है यहाँ से मैं डायरेक्ट घर के लिए निकल जाती हूँ ये लोग गर्मियों में आते थे ना यहाँ पे इस टाइम तक ये शॉप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मेरे खुल जाती थी और अभी तो कुछ भी नहीं आपने देखा होगा मैंने भी डबल जैकेट पहना हुआ बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी जिम आने की और लगता है बस मत उठो बट मुझे मॉर्निंग में उठने में मज़ा भी आता है और बहुत अच्छा भी लगता है थोड़ी देर के लिए लगता है सो जाते हैं एंड यू नो आज मैं उठते ही यू नो गीज़र ऑन करती हूँ और फिर मैं अपना वार्म वाटर और जो भी मुझे मॉर्निंग रिचुअल्स करने होते हैं मैं किचन में जाती हूँ आज मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि किचन से मैं अपना लेमन वार्म वाटर और हनी का कुछ ले लूँ मैं डायरेक्ट नहाने गई एंड डेली ऐसे ही होता है वैसे कि है ना गीज़र को ऑन होने में मतलब पानी थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगता है मैंने गीज़र ऑन किया एंड ऑन करते ही मैंने ब्रश वगैरह किया और पानी ठंडा ही था ऑलरेडी और बकेट में ऑलरेडी पानी था और मैं पानी वेस्ट नहीं करती अगर मैं ठंडा पानी निकालती तो फिर वो वेस्ट हो जाता
तो मैंने थोड़ा सा गीजर का पानी चलाया, वो इतना अच्छे से गर्म नहीं हुआ था और सुबह मैं ठंडे पानी से ही नहाई एंड मेरी जान निकल रही थी, बट इतना ठंडा भी नहीं था बट जितना गर्म होना चाहिए इस मौसम, इस खतरनाक हॉरेबल वेदर और विंटर्स के हिसाब से वैसा नहीं था। तो मेरे साथ वो भी चोट हो गई, और जो मैं अंदर पहनने के लिए कपड़े लेके गई वो गलती से मैंने गीले में रख दिए, फिर मैंने मुझे गीले ही पहनने पड़े। सो ये मेरे साथ पता नहीं डेली डेली कौन से मोमेंट्स हो रहे हैं मेरे साथ। एनीवेज आई एम गेटिंग लेट, चलते हैं अब जिम की ओर प्रस्थान करते हैं। ओप्स रोड्स हैं खाली, मैं पहुंच गई हूँ जिम एंड मैं अपना करती हूँ थोड़ा सा वार्म अप स्टार्ट, थोड़ा सा नहीं अच्छा सा, बिकॉज वार्म अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्विक और मैं वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहती थी तो मैंने वो शूट नहीं किया। अभी हम ऊपर जा रहे हैं वेट ट्रेनिंग के लिए एंड आज हम करेंगे डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट में बहुत टाइम बात कर रही हूँ लेकिन ताकिशों की वजह से बीच में काफ़ी छोड़ दिया था, तो आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि मैं कितना वेट लिफ्ट करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने चॉक लगाया है बिकॉज मेरी ग्रिप प्रॉपरली नहीं आ रही थी और मैं ग्लव्स भी नहीं पहनती बिकॉज उसमें मज़ा आता नहीं है। काफ़ी सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मैं नहीं दिखा पाई हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ छोटे छोटे थोड़े थोड़े ग्लिम्प्स देने थे जो मेजर एक्सरसाइज थी। दो ये वाली इतनी मेजर भी नहीं थी बट जो मैंने किया कुछ एक मैं नहीं दिखा पाई और मैंने ना वो वाले शूट किए थे बिकॉज दोज वर क्वाइट सिंपल। एंड यस हम ये सारी बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके बाद अब मुझे एब्स वर्कआउट करना है बिकॉज ऊपर वेट ट्रेनिंग मेरी हो चुकी है, अभी हम नीचे।
5, 6, 7, 8. Hips down. Toes पे आओ. आगे हाँ या. सो गाइज वर्कआउट हो गया है और बहुत अमेजिंग रहा एज ऑलवेज. और आज मेरा बैक डे था और एक तो इतनी ठंड है, मेरा सारा फोकस ना ठंड के ऊपर रहता है. बट मेरी यू नो जब मैं ट्रेडमिल पे गई तो मैंने अपना एक जैकेट तो निकाल दिया था, उसके बाद फिर आप नॉर्मल हो जाते हो बिकॉज आप जब वॉक करते हो और ट्रेडमिल पे रहते हो तो और वर्कआउट करते हो तब आपसे ये नहीं पहना जाता. सो मैंने तब निकाल दिया था, लेकिन ऊपर जाते समय जब मैं वेट ट्रेनिंग करने गई तब मुझे दोबारा ठंड लगी तो मैं जैकेट लेके गई थी, तो मैंने पहना नहीं बिकॉज वर्कआउट नहीं हो पाता पहन के. सो अच्छा रहा वर्कआउट. आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने वर्कआउट स्टार्ट किया या नहीं, या फिर न्यू ईयर के क्या रेजोल्यूशंस हैं आपके और क्या क्या कुछ नया एड ऑन करने वाले हैं आप अपनी डेली लाइफ में, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे आप लोगों ने यू नो शपथ ली हो कि मुझे बुक्स पढ़नी है, या फिर मुझे वर्कआउट अगर आप लोग नहीं करते हैं तो वो कुछ ऐड ऑन करना है, या कोई करिकुलर एक्टिविटी करनी है, या कुछ भी कोई फिजिकल एक्टिविटी लाइक गेम्स, आउटडोर गेम्स, या क्या कुछ ऐड ऑन किया है ज़रूर बताइएगा. एंड मैंने तो आज का वर्कआउट एंजॉय किया. अगर आप लोगों ने भी ये वीडियो एंजॉय किया हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड गिव्स अ थम्स अप एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ईट क्लीन, ईट ग्रीन एंड डेली वर्कआउट कीजिए. अगर आप डेली भी नहीं कर सकते तो थ्राइस अ वीक या कोई भी वॉक वगैरह छोटा मोटा भी करेंगे तो भी चलेगा, बट इनिशिएट जरूर कीजिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डाइट. एंड आपको कुछ भी अगर कन्फ्यूजन हो या कुछ भी पूछना हो डाइट से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड, प्लीज डू लेट मी नो. आई विल ट्राई टू यू नो आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी और क्वेश्चन ऑफ योर्स. बाय, टेक केयर ऑल एंड हैव अ गुड डे. बाय, टेक केयर. See you then.